नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे लिथियम आयन बैटरी की। आपके स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट तक इस बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है। आखिर क्या होती है ये बैटरी, कैसे बनती है, क्या कुछ इसकी संभावनाएं हैं और आपके लिए इस क्षेत्र में रोजगार की भी क्या कुछ संभावनाएं हैं, हम आपको इस खास कार्यक्रम में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। और आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये लिथियम आयन बैटरी होती क्या है और इसका प्रयोग आखिरकार कहां कहां हो रहा है। लिथियम आयन बैटरी को जानने से पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये लिथियम है क्या। दरअसल लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में ये प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। लिथियम दूसरे पदार्थों के साथ तेजी से रासायनिक क्रिया कर लेता है। यदि इसे हवा में रखा जाए तो ये जल्दी ही हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आग पकड़ लेता है। इस वजह से इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। तेल से निकालकर इसे काटे जाने पर ये चमकीला होता है, लेकिन जल्दी ही पहले भूरा सा बनकर चमक खो देता है और फिर काला होने लगता है। अपने इसी गुण की वजह से यह प्रकृति में शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलता, बल्कि केवल अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में ही पाया जाता है। अपने कम घनत्व की वजह से लिथियम बहुत हल्का होता है और धातु होने के बावजूद इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और अब आइए आपको बताते हैं कि लिथियम से बने लिथियम आयन बैटरी की कहानी। दरअसल लिथियम आयन बैटरी एक फिर से चार्ज करने लायक बैटरी होती है। ये बैटरियां आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में सामान्यतया प्रयोग की जाती हैं और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सबसे पॉपुलर रिचार्जेबल बैटरियों में से एक है। आपके स्मार्टफोन से लेकर बाइक्स तक और बसों से लेकर सैटेलाइट तक हर जगह लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग अब किया जा रहा है। हालांकि भारत में लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कुछ ही गिनी चुनी कंपनियां हैं, लेकिन अब नए नए उद्यमी भी इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारे देश में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर हो जाए, या हमारे जैसे जो लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1990 से लगे हुए हैं, उनको कहीं किसी ट्रेनिंग पे विदेश में भेजा जाए, या उनको कहीं पार्शल ट्रेनिंग दी जाए, या पार्शल टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व कर लिया जाए सरकार के माध्यम से, रिसर्च लेबोरेटरी के माध्यम से, तो इतना अधिक पोटेंशियल है कि हमारे गांव के जो 10वीं क्लास के हैं लोग, 12वीं क्लास के लोग, वो ऐसा लगने लगेगा जैसे कोई बहुत बड़े इंजीनियर हों। सरकार की भी कोशिश है कि भारत की कंपनियां इस बैटरी को बनाने के लिए आगे आएं, ताकि देश में प्रदूषण की समस्या पर नकेल कसने के साथ साथ भारी संख्या में रोजगार भी पैदा हो सके। हम क्रिटिकल केयर, लाइफ केयर इक्विपमेंट के लिए हम लोग बैटरीज बनाते हैं, रोबोटिक एप्लीकेशंस के लिए हम लोग बैटरीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी को समझते हुए हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को बैटरीज बनाते हैं। जो बैटरीज की डिमांड होती है अपने एप्लीकेशन के लिए, वो हमें कुछ टेक्निकल डिटेल, समथिंग बैटरी कैपेसिटी, बैटरी रेटिंग एंड लीड टाइम और बैकअप टाइम, उनको क्या क्या चाहिए वो हमें अपना कुछ डिटेल भेजते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम उनको बैटरी सजेस्ट करते हैं कि कौन सी बैटरी उनके लिए ज़्यादा प्रेफर करेगी। हमारे पास नया लिथियम का जैसे प्रोजेक्ट कोई भी आया, उसके ऊपर क्या है, किस तरह का BMS लगाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मतलब कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हैं हम उसमें डिज़ाइन या कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं, और जो हमारे रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट चलते हैं उनकी टेस्टिंग, उनकी प्रोग्रामिंग वगैरह, वो सब हमारे अंडर होती है। हमारी जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन SMF कई तरह की बैटरीज हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें कि बैटरीज को भेजने से पहले ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली कॉरियर वालों को दे देंगे, क्योंकि ये डेंजरस गुड होता है। इसके लिए कहीं तरह के MSDS फॉर्म्स चाहिए होते हैं जो हमें पार्टीज प्रोवाइड करती है, हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, देन हम कॉरियर वालों को आगे मटेरियल देते हैं, भेजते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सरफेस जो एरिया है, मोड है, उसमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज जो हैं एयर में हम लोग नहीं दे सकते डेंजरस गुड के कारण।
आपको याद होगा जब भारत ने चांद पर चंद्रयान भेजा तब भी उसमें लिथियम आयन बैटरियों का ही प्रयोग किया गया था। आजकल युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद ई बाइक्स आ रही हैं, लेकिन मार्केट के जानकारों का कहना है कि ई बाइक्स इंडियन मार्केट में बिक तो रही हैं, लेकिन इन्हें जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। इसकी वजह है इनकी बैटरी। इनमें अभी जो बैटरी इस्तेमाल हो रही है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है। इन बैटरियों को चार्ज करने में ज्यादा टाइम लगता है और ये जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब ई बाइक्स बनाने वाली कंपनियां भी नई टेक्नोलॉजी से लैस लिथियम आयन बैटरी से चलने वाली ई बाइक्स मार्केट में उतारने जा रही हैं। दरअसल लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इस दुर्लभ धातु का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर किया जाता है, लेकिन भारत में लिथियम के भंडार न होने की वजह से इसके आयात पर ही हमें निर्भर रहना पड़ रहा है। लिथियम बोलीविया, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इसके आयात के बिना भारत में इससे बनने वाली बैटरी का निर्माण नहीं किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर भी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला अमेरिका के नेवेडा के रेगिस्तान में लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री स्थापित कर रही है। यहाँ दुनिया भर में उत्पादित कुल लिथियम आयन बैटरी से भी अधिक बैटरियों का उत्पादन महज एक संयंत्र में किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि भविष्य की बैटरी है लिथियम आयन बैटरी। तो आपने देखा कि आखिर ये लिथियम आयन बैटरी होती क्या है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर ये जो बैटरी है वो बनती कैसे है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि जो लिथियम आयन बैटरी है वो उनका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है। डीडी न्यूज अब हर बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म और केबल नेटवर्क पर उपलब्ध। फ्री डिश पर देखें डीडी न्यूज चैनल नंबर 2 पर, डिश टीवी पर चैनल 549 पर, टाटा स्काई पर चैनल 453 पर, एयरटेल पर चैनल 290 पर, सन डायरेक्ट पर चैनल 550 पर, वीडियोकॉन पर चैनल 328 पर, रिलायंस पर चैनल 405 पर, हैथवे पर चैनल 227 पर और डेन केबल पर चैनल 320 पर। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी, और अब आपको बताते हैं कि ये जो लिथियम आयन बैटरी है वो आखिरकार बनती कैसे है। यहाँ हम लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। बहुत छोटे से बहुत बड़े फॉर्मेट तक की बैटरीज हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। इसमें बुनियादी तौर पर यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं सेल, जो कि लिथियम आयन सेल्स हैं। लिथियम आयन सेल्स हमारे देश में हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। मुख्य रूप से ये हम कोरिया, मलेशिया, जापान और चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब ये मटेरियल्स हमारे पास आते हैं तो हम इसके साथ कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए इन्हें एक बैटरी या एक पावर मॉड्यूल का शेप देते हैं। सेल्स को बुनियादी तौर पे जब हम पहले रिसीव करते हैं तो इनकी फिजिकल इंस्पेक्शन होती है और इनकी वोल्टेज और कैपेसिटीज़ को मापा जाता है। इन बैटरीज़ को एक बार वोल्टेज पर चेक करने के बाद एक ऑटोमेटिक मशीन जो कि इन बैटरियों की इम्पीडेंस को मेजर करता है, जिसमें कि हमारे को अगेन बैटरी की वोल्टेज और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है। इम्पीडेंस से पास हुई हुई बैटरीज को कैपेसिटी सॉर्टिंग के लिए एक इंडिपेंडेंट बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट डिवाइस के ऊपर लाया जाता है। ये मशीन जो है इंडिविजुअली हर बैटरी की कैपेसिटीज को मापता है, उसे चार्ज और डिस्चार्ज करके हमें इसकी सही जानकारी देता है। बैटरी को इंडिविजुअली इनमें लगाया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लगाया और
इसमें यहाँ लगाया जाता है और इस तरह से बैटरी पैनल के ऊपर हम चार्ज डिस्चार्ज का प्रोग्राम करके इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जब ये मशीन पूरी तरह से टेस्ट कर लेती है, हमारे पास सॉर्टिंग का एक फंक्शन आता है जो कि हमें कंप्यूटर द्वारा निर्धारित हर सेल की इंडिविजुअल तौर पे सही कैपेसिटी और उसकी सही जानकारी दे देता है कि ये कितनी कैपेसिटी है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। और इस तरह से टेस्टेड आए प्रोडक्ट्स को, जैसा कि मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा होता है कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बेचा है, इसको हम इनपुट पे इंडिविजुअली हर सेल को टेस्ट कर लेते हैं। बैटरीज एक बार जब टेस्ट हो जाती हैं और हमारे स्टोर्स में आ जाती हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स इन बैटरीज को जो है प्रोडक्शन फ्लोर पे लाया जाता है। ये हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है जहाँ पर कि बैटरीज को इंडिविजुअली आपस में किस तरह से जोड़ा जाता है, ये मैं अब आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। यहाँ आइए, ये देखिए, ये सबसे पहले है हमारे पास हमारे सेल्फ फैब्रिकेटेड ये क्लैंपिंग सिस्टम्स हैं जिसके अंदर के हम हर लिथियम आयन बैटरीज को आपस में एक फॉर्मेट के अंदर जोड़ते जाते हैं। हम इनको एक रो में भी कर सकते हैं जैसा कि इस पैटर्न के अंदर आप देख रहे हैं। हम इसको किसी भी डायमेंशन और किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हमने बड़े फॉर्मेट में यहाँ बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कि इस बैटरी से हम बहुत बड़े स्केल की लिथियम आयन बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल और पावर स्टोरेज सिस्टम्स के लिए बनाते हैं। ये सभी सेल्स आपस में डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी और द वोल्टेज सिस्टम रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से ग्रुप किया गया है। असेंबल्ड बैटरीज को आपस में जोड़ने के लिए मुख्य रूप से सोल्डरिंग जैसे प्रोसेस देश में अपनाए जाते हैं, पर हमारी कंपनी में हम सोल्डरिंग नहीं करते। हमारे यहाँ ड्यूल हेड स्पॉट वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसके दौरान हम लोग प्योर निकल स्ट्रिप्स को सेल के ऊपर ड्यूल हेड वेल्ड मारते हैं। यह है हमारी ड्यूल हेड स्पॉट वेल्डिंग मशीन। ये एक इंडिजीनियसली डिज़ाइंड प्रोडक्ट है जिसके ऊपर यहाँ आप क्लोज देख सकते हैं, बैटरी के ऊपर स्ट्रिप लगा के असेंबल्ड सेल्स को वेल्ड किया जा रहा है। स्पॉट वेल्डेड बैटरी पैक्स के ऊपर रिक्विजिट वायर्स, वायर हार्नेस, कनेक्टर्स, उनको स्पेसिफिक इनक्लोजर्स में फिट करना, इस तरह का प्रोसेस किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक मॉडल बन रहा है हमारे यहाँ जिसके अंदर की बैटरी के ऊपर पीसीबी लगा के उसके ऊपर वायर सोल्डरिंग्स हो रही हैं। इन सोल्डर्ड बैटरीज को एक स्पेसिफिक बैटरी इनक्लोजर्स में डाला जाता है। ये ग्लू और प्रोसेस के साथ इन बैटरीज को सील किया जाता है। हमारे यहाँ दो तीन टाइप के एपॉक्सी सीलिंग्स होती हैं, इंस्टेंट एपॉक्सी जैसा कि अभी हम आपके सामने करके दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास सॉल्वेंट सीलिंग और एपॉक्सी सीलिंग, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ प्रोडक्ट और कितनी रगडनेस उसकी सीलिंग और इनक्लोजर्स में चाहिए है। यहाँ हमारे पास ये एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है। बैटरी बनाने के लिए हमारे को निकल स्ट्रिप्स और पीवीसी स्ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारे पास कॉइल फॉर्म में आती हैं। इन कॉइल फॉर्म में स्ट्रिप्स को मशीन के ऊपर, प्रोग्रामेबल मशीन के ऊपर रिक्वायर्ड लेंथ में काटा जाता है। इस मशीन पे हम लोग पीवीसी स्ट्रिप्स, वायर्स, निकल स्ट्रिप्स, रिबन वायर्स, इंसुलेशन स्ट्रिप्स, किसी भी तरह के मटेरियल को काट सकते हैं जिसके की गेज तकरीबन 0.5 mm से लेकर 4 mm तक की हो। यहाँ आप देख रहे हैं यह है एक SMPS पावर सप्लाई सिस्टम है जो कि बैटरी चार्जिंग और चार्ज कंट्रोलर के तौर पर यूज़ होता है। ये एक SMPS बेस्ड चार्ज कंट्रोलर सर्किट है जो कि बहुत सारे सोलर चार्जिंग या फिर इंडिपेंडेंट AC-DC चार्जिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बैटरी पीछे प्रोसेस में तैयार होकर आई है, इनमें अंदर सर्किट्स लगे हैं, ये बैटरी पूरी तरह से सील्ड है। फिर इन्हें रिक्विजिट इक्विपमेंट्स में यूज़ करने के लिए हमें आगे मेटिंग कनेक्टर्स लगाने होते हैं जैसा कि इक्विपमेंट या डिवाइस के अंदर होता है। यहाँ ये बैटरीज के ऊपर जो है प्रिंस को मैन्युअली क्रिम्प कर रहे हैं। आमतौर पर प्रोसेस मशीन से होता है पर फॉर वीडियो इसके लिए डिटेलिंग के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये हैंड क्रिम्पिंग करके बैटरी उस पर कनेक्टर्स लगाए गए हैं। ये एक तैयार बैटरी है जिसके ऊपर की वायर, कनेक्टर और इसको एक हीट श्रिंक स्लीव्स के थ्रू हमने पूरी तरह से तैयार किया है। इन तैयार बैटरीज को हमारे यहाँ पे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर पूरी तरह से इंडिविजुअली हर बैटरी को अपनी कैपेसिटीज और सेफ्टी मेजरमेंट्स पे टेस्ट किया जाता है। ये सेंट्रल इक्विपमेंट एक प्रोग्रामेबल चार्जर, डिस्चार्जर और कैपेसिटी टेस्टर है जहाँ हम हर बैटरी को इंडिविजुअली अपने ऑन बोर्ड पैनल से चार्ज, डिस्चार्ज और उसकी कैपेसिटी रेटिंग के लिए टेस्ट करते हैं। लिथियम आयन बैटरीज में हमारे पास बहुत सारी बैटरीज ऐसी भी हैं जिन्हें हम प्रोग्रामेबल बैटरीज कहते हैं। ये बैटरीज अपने होस्ट कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती हैं थ्रू 1 wire और 2 wire। इस तरह की स्मार्ट बैटरीज की भी बनाने की कैपेसिटीज हमारी कंपनी की है और हम लंबे समय से
हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंडिविजुअली चिप्स जो कि हमारी इस बैटरीज की PCBs हैं, असेंबली होने से पहले इन्हें प्रोग्राम किया जाता है। ये एक प्रोग्रामेबल चिप डिज़ाइन है जो कि हमारी कंपनी ने खुद डिज़ाइन डेवलप करे हुए हैं। इनको प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर पे इनके रिक्वायर्ड कैपेसिटीज, डाटा और रेटिंग्स के लिए, और आफ्टर विच इन्हें एक बैटरी फॉर्मेट के शेप में शेप किया जाता है। हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलिट्री और एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन के लिए भी बनाते हैं, खासतौर पर लिथियम बैटरीज। इन बैटरीज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है इन्हें लो टेम्परेचर सब्जेक्शन भी देना पड़ता है। इसके लिए हमारी कंपनी के पास -40 तक के टेस्ट करने के रेफ्रिजरेशन और +70 तक की टेस्टिंग करने के लिए ओवन्स हैं। ये टेस्ट पैरामीटर्स इस मशीन के थ्रू मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, जिसके ऊपर की इसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। ये पूरी तरह से तैयार है और अब इसको पैकिंग सेक्शन के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ एक टिपिकल पैकिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं, ये हमारा लॉजिस्टिक डिवीजन है जहाँ पर इसके जैसे अलग अलग साइज़ की बैटरीज जो कि तैयार की गई हैं, इन्हें फाइनल इंस्पेक्शन के बाद प्रॉपर बॉक्स के अंदर विद प्रॉपर पैकिंग्स इन्हें पैक किया जा रहा है। तो आपने देखा कि आखिरकार किस तरह से लिथियम आयन बैटरी का निर्माण होता है। सरकार की भी ये कोशिश है कि देश के जो उद्यमी हैं वो आगे आएं, बाहर निकलें और इस तरह की बैटरीज का वो निर्माण करें। ऐसे ही हमारे साथ एक उद्यमी है और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो क्षेत्र है लिथियम आयन बैटरी निर्माण का क्षेत्र, वो है क्या, इसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं, और जो लोग इस क्षेत्र में रोजगार की तलाश में हैं, रोजगार की संभावनाएं उनके लिए आखिरकार क्या कुछ हैं। हर चीज बड़ा से धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, डिजिटल इंडिया का जमाना है। ऐसे ही लिथियम बैटरी जो सबसे छोटा बैटरी है उसको बनाने के लिए बहुत ही आविष्कार किया है, उनके जननी हैं और इंडिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस लिथियम बैटरी को स्मार्ट लिथियम में बदला है। और अभी हमारे साथ वही व्यवसायी अविनाश जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे इनका पूरा सफ़र रहा है और कितना ये अभी तक सफल हो पाए हैं और इसमें कितना रोज़गार जनरेट होने की संभावना है देश में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप, स्किल इंडिया, स्टैंडअप जैसे योजनाएं तमाम चला रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। आइए, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये लिथियम बैटरी की क्या देश में संभावनाएं हैं और कितना रोज़गार डेवलप कर सकता है इस लिथियम जो क्षेत्र है उसमें? लिथियम बैटरी मेरी समझ से अब हमारी फैक्ट्री को ही एक छोटा उद्योग समझ लीजिए, 40-50 लोग हमारी फैक्ट्री में कार्य करते हैं, और अगर इसकी टेक्नोलॉजी जो बेसिक सेल की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो 1 लाख या 10 लाख लोग इस उद्योग में आ सकते हैं। सिर्फ हमने जो बेसिक सेल की टेक्नोलॉजी है इस पर भी कार्य करना है। हमारे देश में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अगर हो जाए, या हमारे जैसे जो लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1990 से लगे हुए हैं उनको कहीं किसी ट्रेनिंग पे विदेश में भेजा जाए, या उनको कहीं पार्शल ट्रेनिंग दी जाए या पार्शल टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व कर लिया जाए सरकार के माध्यम से, रिसर्च लेबोरेटरी के माध्यम से, तो इतना अधिक पोटेंशियल है कि हमारे गांव के जो 10वीं क्लास के हैं लोग, 12वीं क्लास के लोग, वो ऐसा लगने लगेगा जैसे कोई बहुत बड़े इंजीनियर हों। तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार को इसमें आगे बढ़ कर के काम करने की ज़रूरत है, तभी इस तरीके के जो रोज़गार हैं वो संभव है। एक DSIR एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, जो श्री अब्दुल कलाम जी ने इसको बड़ा प्रोत्साहन दिया। हमने उसके माध्यम से उन्होंने हमें 12 लाख रुपये दिया और सिर्फ हमारे आइडिया को दिया कि एक प्रोजेक्ट यानी एक छोटी सी बैटरी 12 वोल्ट 10 एम्पेयर आवर से, जो कार की लेड बैटरी 12 वोल्ट 30 एम्पेयर चलती है, उसके मुकाबले हमने 12 वोल्ट 10 एम्पेयर से ही कार चला दी। लेकिन उस प्रोजेक्ट में 1 साल का पीरियड लिया, 12 लाख रुपए हमें 4-4 लाख करके 3 बार दिया, और उन्होंने कहा अगर गलती से ना भी आप सक्सेसफुल हों तो भी इसकी चिंता ना करें। यानी ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सिर्फ लोगों को मालूम नहीं है, और उस माध्यम से एक शानदार प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो गया। आपके यहाँ जो 50 लोग काम करते हैं कितना पढ़े लिखे हैं, कैसे कैसे लोग इसमें आ सकते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए इंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी या इसमें काम करने के लिए भी, इस क्षेत्र में कैसे लोग आ सकते हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन
20-25 किलोमीटर तक के जितने भी गांव हैं वहां से ये सब एम्प्लॉय आते हैं। हमने जब इनको लिया हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि ये कोई बड़े एक्सपर्ट हैं, ये सिंपल 10वीं क्लास थे या 12वीं क्लास या ITI, और कुछ हमने इंजीनियरिंग स्टाफ भी लिया जो अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ हैं, हमने वहाँ से फ्रेश ग्रेजुएट विदाउट एक्सपीरियंस उनको लिया। अब मिल बैठ के जब हमने, क्योंकि बेसिक टेक्नोलॉजी पे काम किया था, बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम मैनेजमेंट ने कर रखा था, इन्हीं के साथ बैठ के इनका योगदान लेके हमने कार्य किया, तो आज इनकी शक्ल सूरत एक इंजीनियर से कम नहीं लगती और इनकी नॉलेज किसी इंजीनियर से कम नहीं है। इसलिए विकसित तो हम जो हो रहे हैं वो विकसित इन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं। जो हमारा दर्शक है जो देख रहा है इस चीज़ को, जो आपसे अगर कुछ अनुभव लेकर करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उसे क्या कुछ करना चाहिए जिसकी जिसे वो अपना लिथियम बैटरी के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके और काम कर सके इस क्षेत्र में? एक ये समस्या, एक डर हमेशा रहता है कि मेरी जो प्रोडक्ट तो बना लूँगा मगर इसकी मार्केट में कैसे करूँगा, ये डर हमेशा मन में रहता है। तो स्मार्ट बैटरी को बेचने की मार्केट में इतनी ज़बरदस्त डिमांड है कि वो आपके कदमों में खुद ब खुद आएंगे लेने के लिए, और वो तो ये चाहते हैं कि हमें ऐसी बना दो, इसको ऐसे बना दो, ये हमारे को एनर्जी ऐसे डाल दो। अभी आप हैरान होंगे, अभी कल ही हमारे पास आया, उसका नाम था ह्यूमन जनरेटर, यानी वो एक पैडल से एनर्जी जनरेट कर रहा है पैडल से, और उसको बैटरी चाहिए। अब बैटरी वो फटाफट चार्ज हो जाए, तो ऐसी बैटरियां जो फटाफट चार्ज हो जाएं, ह्यूमन जनरेटर तक एनर्जी अवेलेबल है और वो बैटरी चार्ज है और वो सारा दिन उससे काम लेंगे उस बैटरी से, तो ये बड़ा शानदार भविष्य है इसका। कैसे एंटरप्रेन्योरशिप ले, कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या उनमें खूबी होनी चाहिए, क्या उन्हें सीखना चाहिए? प्रोडक्ट कोई भी पकड़ लें, चाहे लिथियम बैटरी पकड़ लें, चाहे कोई भी जो टफ प्रोडक्ट है उसमें लग जाएं और सोच के चलें कि 2 से 4 साल तो कार्य करना ही है। और हमारे ग्रुप में 17 साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम में से कोई भी एंटरप्रेन्योर, किसी ऐसे इंजीनियर की, कोई भी साइंटिस्ट जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, समझना चाहता है, हम उसकी मदद करने को तैयार हैं। ना केवल टेक्नोलॉजी वाइज, ना केवल दिशा वाइज, फाइनेंशियली भी उसकी मदद करने को तैयार हैं जितना हमारे बस में है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बहुत ही अच्छा रिलेशन अभी अमेरिका के साथ हुआ है पिछले दिनों, अगर आप देखें तो, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे देश में भी हो सकता है। अब जब हमारे देश में होगा तो कैसे होगा? या तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति सरकार के साथ मिलके टेक्निकल कलेबरेशन करेंगे, अरबों रुपये लगाएंगे, या नरेंद्र मोदी जी अगर चाहें, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहें हमारे जैसे छोटे एंटरप्रेन्योर को भी पिक कर सकते हैं, और पिक करके अगर उनके वाकई में बड़े अच्छे संबंध हैं तो वहाँ की रिसर्च लेबोरेटरीज में वहाँ के साइंटिस्ट से इंटरेक्शन करा सकते हैं, जो कि कम लागत में, कम पैसे में ही टेक्नोलॉजी डेवलप होने की संभावना है। जब एक प्रोजेक्ट में सक्सेस आने लगेगी तो हमारे देश के कितने ही इंजीनियर साइंटिस्टों में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जरूरी नहीं कि उनके पास अरबों रुपया हो, वो टाटा बिरला होंगे तभी वो कलेबरेशन होगी अमेरिका से, तभी प्रोडक्शन हो सके। अविनाश जी का मानना है कि लिथियम के क्षेत्र में देश में तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार को आगे बढ़ करके इसमें काम करने की ज़रूरत है। अम्बाला हरियाणा से कैमरामैन भीम सिंह के साथ विनोद कुमार चौधरी, DD न्यूज़। तो आपने देखा हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए कि आखिरकार ये लिथियम आयन बैटरी होती क्या है, कैसे बनती हैं, और आपके लिए रोजगार की इसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।